हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यूरोक्लीन का WD-X2 वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, जो कि मैंने 15,000 रुपये में लिया था। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये मशीन ख़राब हो चुका है। ख़राबी इस तरह की है कि 5 मिनट चलाने के बाद ये अपने आप ऑफ हो जाता है गर्म होने पर। सर्विस सेंटर वालों को भी मैंने कॉल किया, बहुत मशक्क़त से नंबर निकालने के बाद मुझे ये नंबर मिला है। ये भी आप नोट कर लीजिए, आपके काम आ सकता है। मैं आपको ये नंबर दिखा देता हूँ। यूरेका फोर्स का WD-X2 मॉडल है और ये इसका सर्विस वाला नंबर है, जिस पर आप सर्विस करवाने के लिए टेक्नीशियन को यूरोपियन से बुला सकते हैं। ये आप ध्यान से देख लीजिए, 1800-890-1177। डेट ऑफ परचेज 2017 का, और 2022 में ये ख़राब हो चुका है अभी। सो, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर कंपनी ने बताया है कि 4200 से 4500 रुपये के बीच में, जो कि इतनी पुरानी मशीन पे लगाना बेकार है। उन्होंने इसे चेक किया मेरे घर पर आके, उन्होंने बोला कि 4200 के आसपास लगने वाला है। 4200 लगाने से अच्छा है कि 5000 में नई मशीन मिलती है, मैं उसे फेंक के नया खरीदती हूँ। लेकिन इसे फेंकने से पहले इसे खोल के इसका ऑपरेशन करके मैं देख लेता हूँ खुद से कि इसमें क्या कमी आ गई है। अगर ये सस्ते में ठीक होता है तो आप इस वीडियो में आप सीख पाएंगे कि आप भी अपने घर पर कैसे अपने इस ख़राब वैक्यूम क्लीनर को सही कर पाएंगे। नई वैक्यूम क्लीनर ये 15,000 रुपये की मशीन आती है, काफ़ी कम समय में ही ये ख़राब हो गई। 2017 में खरीदी थी हमने और 2022 है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे हम लोगों ने कितनी सफाई की होगी। ऑलमोस्ट घर में पड़ा हुआ ही रहता है ये। सो चलिए इसको खोल खाल के सीख लेते हैं कि ये कैसे रिपेयर होता है। रिपेयर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसको निकाल के फेंक देंगे, नया मशीन ले आएंगे 5000 में, कोई भी नहीं। सो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करते हैं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको खोलना। इस मशीन को खोलने के लिए देखिए, हम लोग इसको यहाँ साइड से इसका लैच खोल लेंगे और उसका बकेट अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से अलग करके इसको टेबल पर ले लेंगे। टेबल पर लाने के बाद हमको इसका ये एयर फिल्टर को निकाल देना है इस तरह से। देखिए इसको अलग कर देंगे बिल्कुल, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका ऑपरेशन करना ही है तो खोल खाल के इसी पे हाथ साफ़ कर लीजिए। ऐसे भी नई मशीन 5000 में अच्छी अच्छी आती है, वो भी आपकी 5-4 साल ही चलेगी। अब देखिए इसमें जो स्क्रूज़ हैं, जितने भी स्क्रूज़ हैं सामने दिख रहे हैं हमको, इस तरह के लंबे वाले स्क्रू ड्राइवर से हमको ये खोल लेना है। ये 4 मुंह वाले से हमें इसका सारे स्क्रू खोलना है। स्क्रू खोलने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। इसमें जितने भी स्क्रूज़ हैं इसको आप खोल लेंगे, खोल के चेक करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ गई। ये देखिए सारे स्क्रूज़ खोल लेने के बाद, देखिए इस तरह के स्क्रूज़ आते हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के लगे हुए हैं, दो ही साइज़ के एक्चुअली। इस तरह के स्क्रूज़ को चारों तरफ से खोलने के बाद आप ये जो बकेट का जो ये लॉकिंग सिस्टम है ये वाला, इसको इस तरह से खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको इस तरह से अंदर की तरफ बंद कर दें, इसको भी ऐसे खुला हुआ है तो अंदर की तरफ बंद कर दें, और एक स्क्रू ड्राइवर लगा के चारों तरफ से इस तरह से आप इसको ऊपर की तरफ खींचे। चारों तरफ से ये भी लगा हुआ होगा, या का साइड में होल वगैरह, ये काफ़ी टाइटली फंसाया हुआ रहता है, लेकिन इसका बकेट बहुत मजबूत होता है तो आप इसमें थोड़ा सा फोर्स लगा दिएगा कस के, आपको ऐसा फील होगा कि ये टूट जाएगा पर टूटेगा नहीं। 14,000-15,000 की मशीन है, 5,000 रुपये 4500 रुपये में आपको बनाने में देने से अच्छा है कि आप इसको खोल खाल के चीर चार के ऑपरेशन करके आप देख लीजिए। इसका बकेट बहुत ही हार्ड रहता है, आप इसमें कितना भी बल जोरी दिखाएंगे टूटेगा नहीं। देखिए इस तरह से आपको फोर्स लगाना है स्क्रू ड्राइवर से। एक समय पे आपको ऐसा लगेगा कि ये टूट जाएगा पर ये टूटेगा नहीं। इसको पूरा फोर्स लगा के आप ऊपर की तरफ ये निकालिएगा तो देखिए मेरा धीरे धीरे ये मशीन खुलते जा रही है। देखिए धीरे धीरे ये खुलने लगी है। इस तरह से आपको करना है, इस पर थोड़ा सा ताकत आजमाना है, शरीर का ताकत आजमाइएगा तो ये इस तरह से मशीन खुल जाएगी। देखिए मैं एक हाथ से मशीन खोल रहा हूँ। देखिए ये जो चीज़ है ये फंसी हुई रहती है इसमें, ये इसको प्रेस करिएगा, इस तरह से ठेलिएगा हाथ से बाहर की तरफ, देखिए ये खुल रही है। हमको किसी भी तरह हमें खोलना ही है तो आप इसको फोर्सफुली थोड़ा सा फोर्स से आप इसको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा जानवरों की तरह इस पर पेश आइएगा तो ये बाहर की तरफ खुल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको। देखिए अब हमारी मशीन खुलने वाली है इस तरह से। देखिए चारों तरफ से मैंने इसको खोल दिया है आधा। इस तरह से जब इस पोजीशन में आ जाए तो आपको क्या करना है, एक स्क्रू ड्राइवर लगाना है और इसको फोर्स से यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इसका नॉब भी निकाल लेना है। इस तरह से इसका नॉब आप निकाल देंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा इसको खोलना। नॉब निकालने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ये देखिए ये नॉब हटाने के बाद ये छोटा वाला नॉब जो है इसको हटाना होगा
तभी ये आपको अंदर वाली मशीन अच्छे से दिखेगी। फ्लैश जला के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से ये मशीन अंदर में इसका नॉब पकड़ा हुआ रहता है। देखिए इस मशीन को हम थोड़ा सा खींच खींच के इस तरह से हम लोग चारों तरफ से खोल लिए हैं, और खोलने के बाद आपको बताते हैं कि ये गर्म होकर बार बार ऑन ऑफ किस वजह से हो रहा है। वायरिंग की दिक्कत है कि किसी आईसी की दिक्कत है, क्योंकि 4500 टू 4200 रुपीज़ सर्विस में इसके देने कहीं से समझदारी बड़ा सौदा नहीं है। इससे तो अच्छा दाई नौकर से ही आप अपने घर में साफ़ सफाई करवा लीजिएगा, वो आपका ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेशर डाल के कसकस के इसको खोलने पे। आपको इंसान नहीं जानवरों की तरह थोड़ा खोलना होगा, ये थोड़ा टाइट रहता है ये। और ये नॉब निकालना ना भूलें, ये तो ऐसे खींचेगा निकल जाएगा, लेकिन ये नॉब कहीं नीचे में फंसी भी रहती है ये ढक्कन। तो मैं खोल के आपको इस कैप को हटा के दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैं एक चीज़ और ध्यान देने वाली बता देता हूँ। ये देखिए, आप सारे जगह का स्क्रू खोल लीजिएगा, पर एक जगह का स्क्रू खोलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो कि राज टेक्निकल व्लॉग्स फेमस है रिवील करने के लिए कंपनी के राज। ये वैक्यूम क्लीनर आप जब भी खोलिएगा, आप सारे स्क्रूज खोल लीजिएगा, यहाँ के यहाँ के यहाँ के यहाँ के यहाँ के सारे जगह के खोल लीजिएगा। उसके बाद भी ये जो ढक्कन है आपका नहीं खुलेगा बहुत आसानी से, ताकि आप इसके अंदर झांक सकें। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा इस वीडियो में, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप यूरोक्लीन WD-X2 मॉडल के वैक्यूम क्लीनर के अगर आप ओनर हैं, तो ये जो पिलर्स देख रहे हैं आप इस वैक्यूम क्लीनर के पीछे, इस तरह के दो पिलर्स जैसे डिज़ाइन बने हुए हैं, इधर दो डिज़ाइंस बने हुए हैं। और ये डब्बा पूरी तरह से आसानी से खुल जाएगा, आपको स्क्रू ड्राइवर से जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इसी पिलर के नीचे में एक स्क्रू छुपी हुई है, जो कि हम लोग नहीं खोलते हैं तो कैबिनेट अंदर से टूट जाता है। आपको मैं वो पिलर दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पर वो खोलना है। देखिए यहाँ पर छुपा के एक स्क्रू लगाया हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पे इस होल के पास, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। देखिए यूरेका फोर्ब्स योर फ्रेंड फॉर लाइफ ई के बगल वाला जो ये है पिलर, उसके अंदर एक चार मुंह वाला पेंच लगाया है, ये आप देख लीजिए। इसी के कारण ये पूरा डब्बा आपसे नहीं घर में खुलेगा। यहाँ पे देखिए एक स्क्रू होता है छुपा हुआ, हिडन स्क्रू के लिए एक छेद दे रखा है कंपनी ने। देखिए देख लिया, देखिए ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ टॉर्च से। देखिए एक इस पिलर के अंदर में एक छुपा हुआ स्क्रू होता है, जो कि आप नहीं खोलेंगे आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह भी जम जाती है। और इसी स्क्रू के ही कारण आपका ये पूरा कैबिनेट, आप सोचते हैं कि चारों तरफ से हमने स्क्रू खोल लिया है, लेकिन ये डब्बा कहीं से खुल नहीं रहा है, दिक्कत हो रहा है, थोड़ी जाम हो रहा है। तो आप ये चार मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इस पिलर के अंदर जो ये डिज़ाइन कटा हुआ है, यहाँ पर एक छुपा हुआ हिडन स्क्रू है, आप उसको खोल लेंगे इस तरह से। खोलने के बाद ये जो बॉक्स जो दिक्कत कर रहा है खुलने में एक साइड से, वो बहुत आसानी से खुल जाएगा। देखिए यही ये पिलर है जिसमें ये स्क्रू कसा हुआ था। देखिए ये थोड़ा सा मेरा हिल सा गया है, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती खोल रहा था। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसी के ठीक सामने ये डिज़ाइन रहता है, और इस डिज़ाइन के ही अंदर में यहाँ पर एक स्क्रू छिपा हुआ रहता है, जो कि आप पूरा वैक्यूम क्लीनर आगे से पीछे तक खोल लीजिएगा स्क्रूज़, पर ये आपको दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पर एक छेद बना हुआ है छोटा सा, देखिए यहाँ पे इसी में एक स्क्रू रहता है, जिसके कारण ये पूरा कंपार्टमेंट लॉक रहता है। ज़बरदस्ती करने पर भी ये खुलता नहीं है, यहाँ से टूट जाएगा ये, लेकिन ये खुलेगा नहीं। यहाँ पर देखिए एक सीक्रेट स्क्रू डाला हुआ रहता है अंदर में, चार मुंह वाला, जो कि मैंने अभी खोल दिया है। तो ये मशीन देखिए बहुत आसानी से मेरे हाथ में खुलकर आ गई है, देख लीजिए। और एक समस्या जो आपकी मशीन में आ रही है, जिसके कारण सर्विस सेंटर वालों ने आपसे 4000 से 4200 रुपये का एस्टिमेट बताया है, वो कौन सी बीमारी है जिसको आप चेंज कर लेंगे बहुत सस्ते में ही, तो आपका घर पे ही ये यूरेका फोर्ब्स का WD-X2 वैक्यूम क्लीनर रिपेयर हो जाएगा बहुत आसानी से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वैक्यूम क्लीनर को खोलने के बाद वैक्यूम क्लीनर कुछ इस तरह का दिखेगा अंदर से। यहाँ पर देखिए इसका PCB लगा हुआ है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, यहीं पर ये ऑन ऑफ नॉब कसी हुई रहती है सारे कंट्रोलर्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर से कोई ख़राबी नहीं होती है, ये ऑन ऑफ के बटन सब सही होते हैं। कहाँ पर प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये बटन है ऑन ऑफ करने वाला, जो कि यहाँ सामने में रहता है, और ये सर्किट बोर्ड होता है, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक तार निकल गया तो इसको इसे सॉकेट में लगा देना है। यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है जिससे ये आपका 5 मिनट मशीन चलने के बाद अपने आप ऑफ हो जा रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल राज टेक्निकल व्लॉग्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको ये कोई भी जानकारी नहीं देगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, जो कि ख़राब हो जाता है इस WD-X2 वैक्यूम क्लीनर के लिए। आप सर्विस सेंटर में भेजेंगे आप ये मशीन को, तो वो लोग यही थर्मोस्टेट जो होता है वो मिस्त्री लोग बदल देते हैं, और ये मशीन वापस काम करने लगती है। ये देखिए ये थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट है, इसको मैं खोल के बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यही थर्मोस्टेट ख़राब हो जाने पे आपकी मशीन 5 मिनट के लिए ऑन होती है, फिर ऑफ़ हो जाती है,
फिर ठंडी होती है, फिर ऑन होती है, फिर ऑफ हो जाती है। मतलब ये चीज़ गर्म होगी ज़्यादा तो ये थर्मोस्टेट स्विच लगाई हुई है यहाँ पे, इसको थर्मोस्टेट स्विच कहते हैं, ध्यान से आप देख लीजिए। यही थर्मोस्टेट स्विच ख़राब हो जाने के कारण आपकी मशीन 5 मिनट के लिए ऑन होती है, फिर ठंडा होने पर चालू हो जाती है, फिर ठंडी होगी ऑन हो जाएगी, गर्म होगी बंद हो जाएगी, ठंडी होगी चालू होगी, गर्म होगी बंद हो जाएगी। तो इस थर्मोस्टेट को हमको खोल के बदल लेना है, बहुत आसानी से घर पर आप बदल लेंगे। इसमें स्क्रू लगा हुआ रहता है, इसको खोल लीजिएगा। और यहाँ पे ब्लैक कलर की वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक कलर की वायर है और राइट हैंड साइड में रेड कलर की वायर है। इस दोनों वायर को आप निकाल लेंगे इस तरह से, इस तरह का इसमें सॉकेट जैसा बना रहता है, आप इसको खींच के निकाल लीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा थर्मोस्टेट को ही मैं खोल लेता हूँ। देखिए इस थर्मोस्टेट को मैं छोटे छोटे, इसमें स्क्रूज लगे हुए होते हैं ऊपर नीचे। ये थर्मोस्टेट को आप खोल लीजिए और ऐसे बाहर की तरफ निकाल लीजिए। ये देखिए थर्मोस्टेट इसका बाहर आ गया बहुत आसानी से। देखिए इस पर लिखा हुआ रहता है टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है। ये मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक हार्ड इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आपको ये मिल जाएगी। इस पर कुछ वोल्टेज लिखा हुआ होता है, देखिए आप ध्यान से अगर आप देख पाएंगे, मैं फ्लैश बंद कर देता हूँ। तो इस पर लिखा हुआ है 88 डिग्री सेल्सियस, ओके 88 डिग्री सेल्सियस, और इस पर 17 नंबर लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, और जी 17 लिखा हुआ है, 17 नंबर और 88 डिग्री सेल्सियस। ये आपको मार्केट में ये थर्मोस्टेट 100 रुपये में मिल जाता है। यही थर्मोस्टेट ख़राब हो जाने के कारण आप जब दिए गए सर्विस सेंटर के कॉल सेंटर पे जब आप कॉल करते हैं, आपका नंबर जल्दी से लगाया नहीं जाता है, लगाया जाता है तो बहुत परेशान किया जाता है, घर पे जल्दी आते नहीं हैं टेक्नीशियन। और ये जो थर्मोस्टेट स्विच है, ये देखिए स्विच है, ये स्विच की तरह दिखता नहीं है पर ये स्विच है, थर्मोस्टेट स्विच है। यही गर्म हो जाने से ये 88 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे ही 88 डिग्री सेल्सियस तक इसका मशीन जैसे ही गर्म होने लगता है या पुराना होने पर, ये 88 डिग्री नहीं, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ही ख़राब हो जाने पे ये ऑफ़ हो जाता है मशीन, ये मशीन को ऑफ़ करने लगता है बार बार। तो ये थर्मोस्टेट स्विच 100 रुपये का हम मार्केट से ख़रीद के लाके बदल देंगे और वापस इस होज़ में टाइट कर देंगे। देखिए इस जगह पर हम लोग वापस इसको टाइट करके पैक कर देंगे। हमारा जो यूरेका फोर्ब्स का WD-X2 वॉश वैक्यूम क्लीनर है वो बिल्कुल नया जैसा काम करने लगेगा और इसमें कोई भी ख़राबी नहीं होती है। और थोड़ा मोड़ा धूल गर्दा अगर आपका लगा हुआ है तो आप 10-20 रुपये वाले पेंट वाले ब्रश से आप इसको क्लीन कर लीजिए। यही थर्मोस्टेट स्विच के ही कारण आपकी मशीन 2-2, 3-3 मिनट के लिए बस ऑन रहेगी, फिर ऑफ हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि स्विच में कुछ दिक्कत है, लेकिन एक्चुअली में ये थर्मोस्टेट ही होता है जो कि ख़राब हो जाता है। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आप इसको यहाँ से क्लिप जैसी लगी रहती है खोल के आप इसको ले जाइए। ये 88 डिग्री सेल्सियस वाली ब्रांडेड अच्छी कंपनी की आपको मिल जाएगी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की भी ये आती है थर्मोस्टेट। गीज़र वगैरह में भी यही थर्मोस्टेट लगा रहता है जो ख़राब हो जाता है। तो आप ये थर्मोस्टेट बदल देंगे तो आपकी वैक्यूम क्लीनर की जो ऑन ऑफ होने वाली जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपको जो सर्विस सेंटर वाले लोग जो घर पर आके चूना लगाते हैं कि 4000 से 4200 रुपये लगेगा, इसका मोटर ख़राब हो गया है, मोटर गर्म हो जाता है, तो ये सब बकवास बातें हैं, सिर्फ पैसा ठगने वाली बात है यूरेका फोर्ब्स की सर्विस सेंटर की। तो ये सिर्फ थर्मोस्टेट आप बदल देंगे तो आपका WD-X2 जो वैक्यूम क्लीनर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको राज की बात कोई नहीं बताएगा। तो कृपया करके राज टेक्निकल ब्लॉग्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि 15,000 की ये वैक्यूम क्लीनर मशीन जो आपको अभी फेंकनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज की सर्विस सेंटर वालों ने आपको 3800 से 4200 रुपये तक का खर्चा बता दिया इसके मोटर को बदलने का, उसके कारण ये मशीन आप फेंक के नए लेने वाले थे। मैं भी यही करने वाला था अगर मैं इसको खुद से आज खोल के नहीं देखता। मैं सोचा कि बनेगा तो बनेगा, नहीं तो फेंक दूंगा, लेकिन खोला तो ये थर्मोस्टेट स्विच जो है ये ख़राब हो गई है हमारी, इसलिए हमारा मशीन 2-3 मिनट ऑन होने के बाद ऑफ होता है। तो हमें लगता है कि स्विच में दिक्कत आ गई है, सर्विस सेंटर को कॉल करके टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो वो भी मिसगाइड करता है कि थर्मोस्टेट स्विच के बारे में कुछ नहीं बताएगा, सीधे आपको बोलेगा कि मोटर ख़राब हो गया है 4000 का, वो आप बदल दीजिए और वो सही हो जाएगा। लेकिन वो आपके सामने नहीं ये बदलेंगे, आपको कहेंगे कि सर्विस सेंटर लाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बदलना, वहाँ पर हम आपको चेंज करके एक पर्टिकुलर डेट पर बुलाएंगे और आपको दे देंगे। तो वहाँ पर सीधे सीधे वो आपको ठग के लूट रहे हैं। ये 100 रुपये का थर्मोस्टेट स्विच सिर्फ ख़राब होता है, उसके लिए आपको 4000 का एस्टिमेट बता दिया जाता है। तो आप राज टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह की सीक्रेट वीडियोस को देखने के लिए। और ये थर्मोस्टेट स्विच आप बदल के वापस लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और रेयर वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस थर्मोस्टेट स्विच को बदल लें, आपका ऑन ऑफ होने वाली जो समस्या है खत्म हो जाएगी। मोटर आपका बिल्कुल सही रहता है, सिर्फ वो मिसगाइड करते हैं पैसा लेने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, और आप इस थर्मोस्टेट स्विच को बदल लीजिए, 100 रुपये का आता है।
थोड़ा इसको क्लीन वगैरह कर दीजिए, बस स्क्रूज सारे लगा दीजिए, वो जो सीक्रेट स्क्रूज है वो इस पिलर के नीचे छुपा रहता है एक छेद में, उसको खोलना ना भूलें। वीडियो देखने का धन्यवाद।